अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरशद ख़ान और आप देख रहे हैं यूनानी हर्ब्स टीवी। आज हम ये छोटा सा नुस्खा लाए हैं जो कि चार चीज़ों पे मुश्तमिल है। ये नुस्खा बहुत ही अहम नुस्खा है और आम तौर पे जो अमराज पाए जाते हैं उनमें इस्तेमाल कराया जाता है। पहले आप ये नोट कर लें, ये काली मिर्च है 10 ग्राम, उसके बाद ये नुशादर है 30 ग्राम, और ये खुश्क अदरक है जिसको सुंड कहा जाता है 50 ग्राम, और ये सना मक्की है जो बहुत ही मशहूर है। सना मक्की ये 80 ग्राम आपने लेनी है। सना मक्की की सफाई करते वक्त आप ये ख्याल रखें कि इसमें से आपने डंडियां निकाल देनी है मोटी मोटी, क्योंकि वो पेट में मरोड़ पैदा करती हैं, और हमने सिर्फ पत्ते इस्तेमाल करने हैं, डंडियां इसमें इस्तेमाल नहीं करनी बिल्कुल भी। तो उसको आपने साफ़ करना है, और सना मक्की आपने 100 ग्राम लेनी है। उसके बाद जब आप साफ़ करेंगे तो उसमें से 20 ग्राम ज़ाया हो जाएगी, 80 ग्राम आपके पास बचेगी, वो इस नुस्खे में आपने डालनी है। तो ये नुस्खा इंतहाई बेस्ट है जिन लोगों को कब्ज़ रहती है ज़्यादातर, या जिन लोगों का पेट बड़ा हुआ होता है, जिनका पेट बढ़ जाता है उनके लिए इंतहाई बेस्ट है ये नुस्खा। ये पेट को कम करता है, इसके अलावा ये जिगर के वर्क को तेज़ करता है, जिगर को नॉर्मलाइज़ करता है, और जिन लोगों का जिगर बढ़ रहा होता है, जिनका जिगर फैल रहा होता है उनके लिए ये नुस्खा इंतहाई ज़बरदस्त है। ये जिगर को ठीक करता है, जिगर को अपने नॉर्मल हालत में ये नुस्खा वापस लाता है, और ये तेजाबियत के लिए इंतहाई ज़बरदस्त नुस्खा है जिन लोगों के मेदे में तेजाबियत रहती है, ख़ास तौर पे जिन लोगों को सुदावी मसला रहता है, सुदावियत जिनके जिस्म में बढ़ जाती है, यानी कि खुश्की बढ़ जाती है, तेजाबियत बढ़ जाती है, उनके लिए इंतहाई बेस्ट नुस्खा है। ये जिस्म को नॉर्मल करता है। तो ये नुस्खा तेजाबियत के लिए इंतहाई ज़बरदस्त है, जिन लोगों को मेदे में तेजाबियत रहती है उनके लिए इंतहाई बेस्ट नुस्खा है ये, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को मेदे में बहुत ज़्यादा गैस रहती है उनके लिए भी ज़बरदस्त नुस्खा है, क्योंकि इसमें अदरक है और अदरक जो है ये गैस के लिए इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। और जिन लोगों को भूख की कमी रहती है उनके लिए भी ये नुस्खा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसकी मकदार ख़ुराक जो है वो आपने 1 ग्राम इस्तेमाल करनी है, जो कि नॉर्मल साइज़ का छोटा कैप्सूल होता है, वो आपने 3 टाइम खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर मसला कम है तो सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इस सफ़ूफ का जो जायका है वो ज़रा सा तेज़ होता है, क्योंकि इसमें नुशादर है, तो डायरेक्ट इसको आपको इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल होगा। इसको आप कैप्सूल में बंद कर सकते हैं, आपने 1 ग्राम का कैप्सूल लेना है, जो नॉर्मल साइज़ का कैप्सूल होता है वो पंसार से आपको मिल जाएगा, वो खाली कैप्सूल ले के तो उसकी जो बड़ी साइड होती है वो आपने भर लेनी है, और वो कैप्सूल आप खाना खाने के बाद 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। आम रूटीन में ये 2 टाइम इस्तेमाल कराया जाता है, जिनको ज़्यादा मसला है, सीवियर मसला है, जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, वो 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द बेस्ट नुस्खा है जी ये कब्ज़ के लिए, तेजाबियत के लिए, और जिन लोगों का जिगर का मसला है उनके लिए इंतहाई ज़बरदस्त है, जिनका जिगर बढ़ रहा है उनके लिए ज़बरदस्त है, जिनका पेट बढ़ रहा है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये। तो ये आम सा नुस्खा है और बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही बेस्ट नुस्खा है ये। 4 चीज़ें हैं सिर्फ इसमें, और बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। इसको बना के आप घर में रख लें और इसको इस्तेमाल करें, जिनको कब्ज़ है, जिनको तेजाबियत का मसला है, जिनका जिगर बढ़ रहा है या जिनका पेट बढ़ रहा है उनके लिए इंतहाई ज़बरदस्त और बेस्ट नुस्खा है। आप इंशाल्लाह हमें दुआएं देंगे, ये ज़बरदस्त नुस्खा है जो हमने आपके साथ शेयर किया है, और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और हमारे चैनल को भी प्यार दीजिएगा सब्सक्राइब करके, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो आप तक वक्त पर पहुँचती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।